तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी को आए भूकंप से अब तक 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों की संख्या भी 40,000 के आसपास है। तुर्की में अब तक 16,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, वहीं सीरिया में 3,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि वो शुरुआत में राहत पहुंचाने में नाकाम रहे। कई शहरों में लोगों का भी यही कहना है कि उन तक मदद नहीं पहुंची। इस बीच एक आकलन ये भी है कि 7.8 की तीव्रता के इस भूकंप ने तुर्की को 3 मीटर पश्चिम की ओर धकेल दिया। भूकंप में सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में से एक है गाजियाटेप। एनडीटीवी संवाददाता उमा शंकर सिंह वहां पहुंचे, उनकी रिपोर्ट देखिए। टेप में है और यहाँ ये पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो इस अर्थक्वेक में ध्वस्त हो गई है। देखिए किस तरह से यहाँ पे मलबा जो है वो बिखरा पड़ा है और अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस स्तर का भूकंप था ये। 7.8 था पहला जो झटका था, दूसरा 7.6 था और ये पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है वो पूरी तरह से जमींदोज हो चुकी है। यहाँ पे क्रेन लगे हुए हैं, मलबे को जो हटाने का काम है वो चल रहा है। इसमें बहुत सारी जो जान है वो गई है। हालांकि कोई आधिकारिक जो डाटा है वो उपलब्ध नहीं है कि इस बिल्डिंग में आखिरकार कितने लोगों की जान गई, लेकिन जो सिचुएशन है अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये देखिए किस तरह से जो गद्दे हैं वो इस रबल में हैं। जाहिर सी बात है कि बहुत सारे परिवार इसमें रह रहे होंगे, कितने निकल के बच पाए वो कहना मुश्किल है, लेकिन बहुत ही एक त्रासद भरी स्थिति। और ये तो शहरी इलाका है, मुख्य शहर है गाजियाटेप का। इसके अलावा जो बाहरी इलाके हैं वहाँ पर और ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है जो हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन ये एक उदाहरण है, एक नमूना है कि कैसे यहाँ पर डिस्ट्रक्शन हुआ है। जो यहाँ राष्ट्रपति हैं एर्दोगान, उनकी काफ़ी आलोचना हुई है। जो राहत और बचाव कार्य में देरी की बात उन्होंने मानी है, लेकिन उन्होंने साथ के साथ ये भी कहा है कि जिस आपदा की जो जिस बड़ी तरह से ये आपदा आई है उसमें कोई भी मुल्क जो है वो इस बात को लेकर हमेशा तैयार नहीं रह सकता कि उससे निपटने में फौरी तौर से वो अपना सारा जो कुनबा है वो लगाए। लेकिन विदेशों से भी एड यहाँ पे पहुँच रहे हैं, एड वर्कर्स पहुँच रहे हैं यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। तकरीबन 67 देशों से लोग यहाँ पहुँचे हैं और भारत से NDRF की टीम भी कई इलाकों में काम कर रही है। वहाँ वो लोगों को मलबे से निकालने का काम कर रही है, उनको इलाज देने का काम कर रही है। भारतीय सेना के जो फील्ड जो हॉस्पिटल्स हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि इलाज मिल पाए। जो ऑपरेशन दोस्ती है वो भारत ने बहुत ही जल्दी 24 घंटे के भीतर भारत ने पहला खेप भेज दिया था और 5-6 खेप अभी तक भेज चुका है यहाँ पे। तो जो ऑपरेशन दोस्ती है वो यहाँ पे चलाया जा रहा है, तो भारत की एक बड़ी भूमिका यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है। लेकिन जिस तरीके की तबाही यहाँ पे हुई है, इस मुल्क को इस त्रासदी से निकलने में काफ़ी वक्त लगेगा। हम आपको आगे और रिपोर्ट दिखाएंगे इस तरह की, जहाँ पे जिस तरह से विध्वंस हुआ है और जिस तरह से लोगों की जान गई है। तुर्की और सीरिया में भारत भी ऑपरेशन दोस्ती के तहत मदद कर रहा है। भारतीय सेना ने तुर्की के हते शहर में फील्ड हॉस्पिटल सेटअप कर दिया है, वहां पर लोगों का इलाज शुरू कर दिया गया है। 30 बेड का ये फील्ड हॉस्पिटल है जिसमें ऑपरेशन थिएटर है, वेंटिलेटर है, एक्सरे लैब के साथ मेडिकल स्टोर भी है। यहाँ भूकंप में घायल हुए लोगों का 24 घंटे इलाज किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन करेंगे। फिर 12 फरवरी तक चलने वाले सम्मेलन में देश दुनिया के दिग्गज कॉरपोरेट हस्तियां शामिल हो रहे हैं। 40 देशों के 400 से ज्यादा प्रतिनिधि इसका हिस्सा बनेंगे। 12 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समापन समारोह के मुख्य अतिथि होंगी। यूपी के बाद प्रधानमंत्री महाराष्ट्र भी जाएंगे, वहां मुंबई से 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन्स को हरी झंडी दिखाने वाले हैं।
भारतीय रेल की तस्वीर बदल रही है, खासकर वंदे भारत एक्सप्रेस की वजह से। आपको बता दें कि देश में अब तक 8 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज मुंबई से सीएसटी से 2 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। एक मुंबई से शिरडी तक जाएगी और एक मुंबई से सोलापुर के लिए। भारतीय रेल की तस्वीर बदल रही है और उसका उदाहरण है ये वंदे भारत एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 फरवरी को मुंबई में हैं और 10 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई के सीएसटी से 2 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। एक यहां मुंबई सीएसटी से शिरडी जाएगी और दूसरी मुंबई सीएसटी से सोलापुर जाएगी। वंदे भारत सेमी हाई स्पीड सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन है, यानी कि इसमें इंजन नहीं होता। ये जो हम देख रहे हैं, ये जो अगला हिस्सा है, ये ड्राइवर कैब है। यहां पर लोको पायलट बैठकर ट्रेन को चलाते हैं, संचालित करते हैं और पूरा कंट्रोल ट्रेन का यहीं से होता है, हम देखते हैं। और यहां तक कि जो सीसीटीवी लगी है पूरे ट्रेन में, उसको भी यहीं से वो मॉनिटर करते हैं। और इस ट्रेन की खासियत है कि ये पहली ट्रेन होगी जो कि मुंबई से नासिक जाते हुए या फिर मुंबई से पुणे सोलापुर जाते हुए जो घाट सेक्शन पड़ता है, जहां पर कि हमेशा जब कोई भी ट्रेन जाती है तो उसको बैंकर इंजन लगाना पड़ता है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये खुद ही अपनी स्पीड से उस घाट सेक्शन को चढ़ जाएगी, जो कि सबसे बड़ी खासियत है इस वंदे भारत ट्रेन की। हमारे साथ में है मध्य रेलवे के जीएम नरेश लालवानी जी। सर, एक बड़ी सौगात मिल रही है मुंबई वासियों को, महाराष्ट्र वासियों को। ये दोनों ट्रेनें किस तरह से इतिहास रचेंगी मध्य रेलवे के में? देखिए, अगर आप इतिहास की बात करें तो भारतीय रेलवे का इतिहास इसी स्टेशन से रचा गया था 1853 में, जब पहली ट्रेन चली थी सुपादीप की। और अब जो है मुंबई से ये वंदे भारत चल रही है, जो इस तरह की मुंबई से चलने वाली पहली ट्रेन है, तो इस तरह का इतिहास है। दूसरा, बात करें तो घाट सेक्शन में बिना बैंकर के ट्रेनें चलती नहीं थी। ये ट्रेन का ट्रैक्शन मोटर्स काफी पावरफुल हैं, तो बिना बैंकर के घाट पे बिना इंजन बदले ये सीधी जाएगी। मुंबई सिटी और मुंबई सोलापुर, ये दो रूट ही क्यों चयन किया गया? देखिए, ये तो रूट्स तो बहुत सारे आइडेंटिफाइड हैं, लेकिन ये यूनेस्को की हेरिटेज साइट है वीटी, आप देखें उससे आप रिलेट करें। त्र्यंबकेश्वर मंदिर है, शिवलिंग है हमारा, आगे जाएंगे तो शिरडी साईं बाबा का धाम है, तो ये रिलीजियस प्लेसेस कनेक्ट कर रही है। सोलापुर आप जाएंगे, तुलजापुर भवानी का मंदिर है, सिद्धेश्वर मंदिर है, पंडरपुर है, तो इन सब चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि काफ़ी यहाँ काफ़ी टूरिस्ट जाते हैं, उस हिसाब से इसको प्लान किया गया है। सबसे बड़ी और अनोखी खासियत है कि पहले की जो हमारी रेलगाड़ियाँ होती हैं, फिर ट्रेन होती हैं, उसमें अगर इमरजेंसी में आपातकाल में चैन खींचना होता है, लेकिन इसमें ये आप दबा देंगे पुश टू टॉक, यानी इसको दबाएंगे तो हम जो लोको पायलट है उनसे बात कर सकते हैं, क्या परेशानी है उन्हें बता सकते हैं। दो डिब्बों का जोड़ अक्सर हम जब दूसरी मेल गाड़ियों में देखते हैं तो वो इस तरह से समतल नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए बिल्कुल समतल है। और इस गाड़ी की सबसे बड़ी खासियत ये भी है कि इसमें कम से कम जर्क लगता है, यानी कि झटके बहुत कम लगते हैं, इसीलिए आप आराम से इसमें बैठकर सफर कर सकते हैं। वंदे भारत मतलब आत्मनिर्भरता की तरफ भारत का बढ़ता कदम, तेज रफ्तार और आरामदायक सफर का अद्भुत संगम। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाड़ी के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन केंद्र के पहले लॉन्च पैड से आज लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि SSLV-D2 के दूसरे संस्करण को लॉन्च करने वाला है। इससे ठीक 9:18 पर यानी कि कुछ ही देर में लॉन्च किया जाएगा। इसरो ने कहा है कि SSLV-D2 अपनी उड़ान के 15 मिनट के दौरान 3 उपग्रहों को 450 किलोमीटर गोलाकार कक्षा में स्थापित करने का प्रयास करेगा। बस 1 मिनट अब बाकी है और 1 मिनट में इसे लॉन्च किया जाएगा। इसमें इसरो का US-07, अमेरिका का JNS-1, चेन्नई के स्टार्टअप स्पेस किड्स का आजादी SAT-2 शामिल है। 40 सेकंड्स बाकी हैं, पृथ्वी की निचली कक्षाओं में 500 किलोमीटर तक ये प्रक्षेपण कर सकता है। टाइम प्रोग्राम्स एक्टिवेटेड। -25 सेकंड्स।
-20 seconds, -15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Beautiful launch of SSLV D2EOS 07 on a bright sunny morning. प्रज्वल और सफलतापूर्ण उत्पादन SSLV का इस्तेमाल छोटे सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग के लिए किया जाता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बेहद खूबसूरत ये तस्वीर नजर आ रही है। ये दूसरी बार इसकी लॉन्चिंग हो रही है। एक स्मॉल लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है ये और इसके जरिए धरती की निचली कक्षा में 500 किलोग्राम तक के सैटेलाइट्स को 500 किलोमीटर से नीचे या फिर 300 किलोग्राम के सैटेलाइट्स को सन सिक्रोन्स ऑर्बिट में भेजा जा सकता है। तो इस ऑर्बिट की ऊंचाई 500 किलोमीटर के ऊपर होती है और सफलतापूर्वक यहां पर लॉन्च हो रहा है SSLV D2। बहुत से दर्शक आंखों देखा अनुभव, ये तीन उपग्रह स्थापित करेगा। ये अपने आप में अविस्मरणीय अनुभव होता है। सभी की धड़कनें तेज। शाटो इज इन मेनाटो। इस बार इसरो को काफी उम्मीदें हैं और लोगों को भी, क्योंकि आपको बता दें कि पिछले साल भी 7 अगस्त को इसी रॉकेट से 2 सैटेलाइट्स छोड़े गए थे। ये थे EOS 02 और आजादी सैट, लेकिन आखिरी स्टेज में कुछ गड़बड़ की वजह से ये दोनों ही गलत ऑर्बिट में पहुंच गए थे। इस बार 3 उपग्रह स्थापित किए जाएंगे। निर्धारित दिशा की ओर अपने आप को निरंतर करता हुआ आगे जा रहा है। The flex nozzle of stage is imparting the pitch and yaw control functions, whereas the roll control is by fin tip control. इसकी कुछ खास बातें आपको बताते हैं। SSLV D2 की 34 मीटर लंबाई है, 2 मीटर इसका व्यास है और 120 टन वजन है। कम लागत में इसे इसरो में तैयार किया है। On your TV screens, the simulation of the flight. The separation of SS1 will follow the ignition of second stage. कुछ ही क्षणों में द्वितीय चरण का प्रज्वलन हो प्रथम चरण को पृथक कर दिया जाएगा। Second stage ignited, first stage separated, S2C separated. द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है और प्रथम चरण को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। The second stage of the rocket has commenced its operation and the first stage has been separated. Performance normal. Burn time for SS2 is 124 seconds. This rocket contains 7.7 tons of HTPB based solid propellant. Ushma kavach ko prithak kar diya gaya hai. Ab hum प्रमोचन से 177 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं। अभी ऊंचाई 182 किलोमीटर है तथा सापेक्ष गति 2.6 किलोमीटर प्रति सेकंड। द क्लोज लूप गाइडेंस हैज बीन इनिशिएटेड एंड द पेलोड फेयरिंग हैज बीन सेपरेटेड। द कोर्स करेक्शन ऑफ द लॉन्च व्हीकल टेक्स प्लेस थ्रू अ फीडबैक लूप। परफॉर्मेंस नॉर्मल। SS2 द्वितीय चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ, SS2 चरण का प्रज्वलन पूर्ण होने के पश्चात 140 सेकेंड का कोस्ट फेज शुरू होगा। इस कोस्ट फेज में किसी प्रज्वलन के संवेग से यान 423 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त करेगा। शार बैंगलोर कंटिन्यू टू ट्रैक। Trivandrum and Port Blair stations have started to acquire the data. Second stage action completed. द्वितीय चरण का प्रज्वलन काल समाप्त हो गया है तथा कोस्ट फेज जारी है। एक
आपको बता दें कि इसरो ने कहा है कि उसका ये नया रॉकेट SSLV-D2 अपनी 15 मिनट की उड़ान के दौरान 3 उपग्रहों, इसमें शामिल है इसरो की EOS-07, अमेरिका स्थित फर्म है इसका है जेनस 1 और चेन्नई स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप स्पेस किड्स का आजादी सेट 2। इसे 450 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में स्थापित करने का ये प्रयास कर रहा है। 15 मिनट की ये उड़ान रहेगी। आपको बता दें कि पहला और दूसरा चरण सफलतापूर्वक पूरा कर चुका है SSLV-D2। अपनी पहली उड़ान पिछले साल 9 अगस्त को की थी, लेकिन आंशिक रूप से विफल रहा था उस वक्त। दो उपग्रहों को स्थापित करना था। आपको बता दें इस बार 3 उपग्रहों को स्थापित करेगा SSLV-D2। बहुत कम लागत में इसे बनाया गया है और बहुत कम लागत में अंतरिक्ष तक पहुंच ये प्रदान करता है। इसरो के अनुसार SSLV लॉन्च ऑन डिमांड के आधार पर पृथ्वी की निचली कक्षाओं में 500 किलोग्राम तक के उपग्रहों का प्रक्षेपण कर सकता है। कोस्टिंग फेज जारी है। EOS-7 उपग्रह मुख्यतः ऐसे नेतभारों का प्रयोग कर रहा है जो कि माइक्रो सैटेलाइट बस से सुसंगत और भावी उपग्रहों के लिए उपयोगी नवीन तकनीकों का प्रदर्शन करेंगे। इसमें मिलीमीटर वेव ह्यूमिडिटी साउंडर तथा स्पेक्ट्रम मॉनिटरिंग जैसे पेलोड लगे हुए हैं। EOS-7 का कुल भार 156 केजी है तथा इसका कार्यकाल 1 साल का निर्धारित किया गया है। SSLV का इस्तेमाल छोटे सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग के लिए किया जाता है और इसमें अब 3 सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग की जाएगी। एक स्मॉल लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है, इसके जरिए धरती की निचली कक्षा में 500 किलोग्राम तक के सैटेलाइट्स को 500 किलोमीटर से नीचे या फिर 300 किलोग्राम के सैटेलाइट्स को सन सिंक्रोन्स ऑर्बिट में भेजा जा सकेगा। 1 साल तक की लाइफ इसकी निर्धारित की गई है। आपको बता दें ऑपरेशन 34 मीटर लंबा है, 2 मीटर व्यास है। यहाँ तृतीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। यह भी करीब 104 सेकंड तक चलकर शांत हो जाएगा। उसके बाद कोस्ट फेज की शुरुआत होगी। नॉर्मल 7 मिनट्स। तृतीय चरण का प्रज्वलन सामान्य। HTPB based solid propellant with a loading of 4.5 tons produces a vacuum thrust of 160 kilonewtons. The stage burns for 104 seconds. SSLV-D2 अब तक 2 चरण पूरे कर चुका है, तीसरा चरण भी सफलतापूर्वक पूरा कर रहा है। The current altitude is 449 kilometers. इस चरण के अंत तक हम 450 किलोमीटर की ऊंचाई तथा 7.24 किलोमीटर प्रति सेकंड की सापेक्ष गति प्राप्त कर चुके होंगे। ये वो रॉकेट है जो छोटे सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए बनाया गया है और इसका नाम रखा गया है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि SSLV। इसमें EOS-07 सैटेलाइट जा रहा है। वर्तमान में हम 480 सेकंड आगे आ चुके हैं प्रमोशन से। यान की ऊंचाई 453 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसमें चुनौती यह है कि लॉन्चिंग सही ऑर्बिट में हो, क्योंकि पिछले साल जब लॉन्चिंग की गई थी तो वो आंशिक तौर पर ही सफल रही थी क्योंकि सैटेलाइट गलत ऑर्बिट में चला गया। तृतीय चरण का प्रज्वलन काल समाप्त हो चुका है तथा कोस्ट फेज जारी है। Presently, the third stage has completed its operation. Vehicle performance normal, but has not yet been separated. It is a coast phase along with the spent stage mass, velocity trimming module, and the satellites. The duration of coast phase is designed according to the mission requirements, considering the altitude to be reached and velocity to be attained at the time of injection. इस बार SSLV-D2 में EOS-07 भेजा जा रहा है। इससे पहले पिछले साल इसी रॉकेट से 2 सैटेलाइट छोड़े गए थे। इस बार 3 सैटेलाइट छोड़े जाने हैं
जो पिछली बार छोड़े गए थे ये थे EOS 02 और आजादी सेट, लेकिन आखिरी स्टेज में गड़बड़ होने की वजह से दोनों ही गलत ऑर्बिट में पहुंच गए थे। लेकिन इस बार उम्मीदें बहुत बहुत हैं इसरो को भी और देशवासियों को भी कि इस बार प्रक्षेपण सही होगा और सही ऑर्बिट में ये तीनों उपग्रह लॉन्च किए जाएंगे। को पैसेंजर सैटेलाइट जानुस 1 फ्रॉम USA इज अ टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर स्मार्ट सैटेलाइट मिशन based on Antares software platform. Janus 1 demonstrates modular bus and multi-tenant payloads with onboard edge computing programmable smart EPS, SX band SDR, vehicle performance normal, secure TNC and digital twinning with SAS platform. आपको बता दें अभी तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। इस बार EOS 07 जो मुख्य तौर पर उपग्रह है वो इसमें इसके जरिए स्थापित किया जाएगा, साथ ही दो और छोटे सैटेलाइट्स जा रहे हैं, हालांकि उनके डिटेल्स अभी शेयर कर रहा है इसरो। आपको बता दें कि पिछली बार क्योंकि गड़बड़ी हुई थी तो इस बार अभी इंतजार बाकी है। अभी तक जितने भी चरण हैं सफलतापूर्वक पूरे किए गए हैं। SSLV का इस्तेमाल छोटे सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग के लिए किया जाता है और इसमें इस बार 3 सैटेलाइट्स भेजे जा रहे हैं। ये एक तरह से स्मॉल लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है, इसके जरिए धरती की निचली कक्षा में 500 किलोग्राम तक के सैटेलाइट्स को प्रक्षेपित किया जा सकता है। इस ऑर्बिट की ऊंचाई 500 किलोमीटर के ऊपर होती है। साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार आज अपना आखिरी बजट पेश करने जा रही है। मुख्यमंत्री गहलोत ने बजट का नारा दिया है बचत, राहत और बढ़त। बजट से पहले जगह जगह होर्डिंग्स लगाए गए हैं और प्रचार भी किया गया है। सवाल हालांकि यही उठ रहा है कि क्या कांग्रेस को इस चुनावी बजट से दोबारा सत्ता हासिल करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने आखिरी बजट पे दस्तखत करते हुए सबकी निगाहें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चुनावी बजट पे टिकी हुई हैं। जगह जगह इसके होर्डिंग भी लग चुके हैं। बचत, राहत और बढ़त, पूरा कंसेप्ट जो है बजट का उन्होंने जनता के सामने खोल कर रख दिया और जनता एक मुक्त भाव से अपने अपेक्षाओं को पूरा होने की उम्मीद अशोक गहलोत जी से लगाई हुई है। सरकार ने सर्कुलर भी जारी किया है कि सभी सरकारी और निजी कॉलेजों में प्रचार या बजट को लाइव दिखाएंगे। युवा वोट बैंक इस साल के चुनाव में अहम रहेगा और ये उसे साधने की कोशिश है। दूसरी ओर घरेलू सिलेंडर पर रियायत, स्वास्थ्य के लिए चिरंजीवी बीमा योजना, बुजुर्ग और विधवा पेंशन और ओल्ड पेंशन स्कीम जैसे समाज कल्याण योजनाओं पर सरकार जोर दे रही है। कांग्रेस की फितरत रही है कि जनमत को भ्रमित करो और सत्ता हासिल करो, लेकिन प्रदेश की जनता जान चुकी है अब वो कांग्रेस के नेताओं के द्वारा भ्रमित होने वाली नहीं है। मुखिया जी ने तो चुनाव से पहले भी बड़े बड़े वादे किए, मुखिया जी ने फिर 4 बजट विधानसभा के अंदर पेश किए और अब अंतिम बजट के अंदर मुखिया जी कह रहे हैं कि बचत, राहत और बढ़त, इस तरीके का बजट हम पेश करेंगे। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का चुनावी बजट रहेगा और जगह जगह शहर और प्रदेश में इस तरह के होर्डिंग्स लग चुके हैं। गहलोत सरकार चाहती है कि अपनी समाज कल्याण योजनाओं के बलबूते पर वो 2023 में रिपीट कर पाए। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, NDTV इंडिया। और चलिए अब आपको बताते हैं अब तक की 5 बड़ी खबरें कौन सी हैं जिनमें से आप चुन सकते हैं अपनी पसंदीदा खबर। पहली खबर, तुर्की सीरिया में भूकंप से 20,000 मौतें हो चुकी हैं। ग्राउंड जीरो पर NDTV हर रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहा है। राजस्थान में आज बजट कितनी खरी उतरेगी गहलोत सरकार, बजट पेश करने से पहले शहर भर में लगाए गए हैं होर्डिंग्स। मुंबई को 2 वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात, PM दिखाएंगे हरी झंडी। देहरादून में बेरोजगारों का प्रदर्शन, पुलिस ने बरसाई लाठियां, CM धामी ने दिए जांच के निर्देश। श्रीहरिकोटा में आज फिर SSLV D2 रॉकेट की हुई लॉन्चिंग, 9:18 पर लॉन्च किया गया SSLV D2।